कुंज विकासखंड के ग्राम पंचायत छापू के मनहार तपरा आदिवासी बाहुल इलाके में ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन इलाकों की आदिवासी परिवार की महिलाएं रात में जागरण कर हैंडपंप पर लंबी लंबी कतार में लगने को मजबूर हैं, क्योंकि लगभग 500 लोगों की बस्ती में मात्र एक हैंडपंप चालू है, जिससे लगातार चलाने के बाद बूंद बूंद पानी मिल पाता है। सरकार भले ही विकास के तमाम वादे कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। दरअसल इस बस्ती में खड़े होकर सुनना कुछ अजीब ही लगता है, क्योंकि आदिवासी परिवार आज भी झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। ग्रामीणों की मांग बस इतनी सी है कि उन्हें सभी समस्याओं से सुलझाया जाए। पानी की इतनी समस्या है कि एक हैंडपंप रहेंगे चार, तीन बिल्कुल खराब है, उनमें पानी नहीं निकल रहा। एक हैंडपंप है रोड वाला चालू, तो उसमें एक ड्रम निकलता है 2 घंटे में, तो रात भर बहरे आदमी वहाँ पे बैठे रहते हैं। जब पानी की वो कुछ गाड़ियों से दो दो तीन तीन किलोमीटर से पानी लाते हैं। सर समस्या तो इतनी है, पानी की बहुत है। ये बाई 12, 1, 2 सुबह भी हो जाता है जहाँ हैंडपंप पे पानी भरते भरते, और मेहनती मजदूर आदमी है, पानी नहीं भर पाओ, सुबह काम पे नहीं जा पाओ। अब क्या करें, रात में भी भरना पड़ता है, कोई सोता भी है कोई नहीं भी सोता, कुछ लोग तो यहीं सोते हैं सर हैंडपंप पे। मतलब एक ही हैंडपंप है, उसमें पानी नहीं आता, बहुत कम आता है। बहुत कम पानी आता है सर, एक ही हैंडपंप है। एक ही हैंडपंप है। इसकी शिकायत करी थी सर, करिए शिकायत, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं सुन,